एल्बर्ट आइंस्टाइन, इस नाम को सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज आती है, एक जीनियस साइंटिस्ट। आज पूरी दुनिया मानती है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक महान साइंटिस्ट थे और उनकी पर्सनालिटी बेहद खास थी। वो आइंस्टाइन ही थे जिन्होंने अपने गहरे रिसर्च और अद्भुत डिस्कवरीज की मदद से यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया और पारंपरिक सोच को पूरी तरह से बदल दिया। पर क्या इनका जीनियस होना महज एक इत्तेफाक था, या इसके पीछे छिपा है एक ऐसा राज जिसके चलते आइंस्टाइन के मस्तिष्क की क्षमता औरों के मुकाबले अधिक थी? क्या इनका ब्रेन एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक बेहतर था? इसका रिसर्च आज भी फिलाडेल्फिया के एक मेडिकल म्यूजियम म्यूटियर में किया जा रहा है। 18 अप्रैल 1955 में न्यू जर्सी के प्रिंसटन हॉस्पिटल में आइंस्टाइन की मौत हो गई। उनके मौत के तुरंत बाद ही थॉमस हार्वी, जो कि एक पैथोलॉजिस्ट थे, इन्होंने आइंस्टाइन के शरीर की ऑटोप्सी की। ऑटोप्सी के दौरान थॉमस ने आइंस्टाइन के ब्रेन को खोपड़ी से बाहर निकाला ताकि उसकी जांच कर सके, मगर जांच के खत्म हो जाने पर ब्रेन को वापस खोपड़ी में ना रखते हुए उन्होंने उसे फॉर्मल्डिहाइड के सोल्यूशन में डाल दिया और अपने साथ ले गए। ऐसा कहा जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह साफ साफ कह दिया था कि उनकी मृत्यु के बाद उनके ब्रेन या बॉडी का इस्तेमाल रिसर्च के लिए ना किया जाए, पर इसके बावजूद हार्वी ने उनके ब्रेन को संरक्षित करने का निर्णय लिया ताकि दुनिया के सारे महान साइंटिस्ट उस पर रिसर्च कर सके और आइंस्टाइन के असामान्य जीनियस होने की गुत्थी को दुनिया के सामने उजागर कर सके। ब्रेन की जांच के दौरान हार्वी ने उसे 240 टुकड़ों में काटा और उन्हें हजारों माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स में सैंपल के तौर पर डाल दिया। इन सैंपल्स को हार्वी ने दुनिया के तमाम प्रमुख साइंटिस्ट को अध्ययन करने के लिए भेज दिया। जिन वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया, उन सबका मानना है कि यह ब्रेन नॉर्मल नहीं था। जांच में पता चला कि आइंस्टाइन का ब्रेन एक सामान्य वयस्क पुरुष की तुलना में अधिक हल्का था। उसका वजन लगभग 1.2 किलोग्राम था। मगर सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ब्रेन का इंफीरियर पेरिटियल क्षेत्र किसी सामान्य ब्रेन की तुलना में 15% अधिक बड़ा था, जिससे उनके बेहतर मैथमेटिकल स्किल्स, अधिक रचनात्मक सोच और उच्च अनुभूति जैसे गुण प्राप्त होने की आशंका जताई जाती है। किसी सामान्य 76 वर्षीय वयस्क के ब्रेन को जांचे तो ये अक्सर पाया जाता है कि उनके ब्रेन की कई कोशिकाएं नष्ट हो चुकी होती है, परंतु 76 वर्षीय आइंस्टाइन के ब्रेन को जब जांचा गया तो उसमें नष्ट हुई कोशिकाओं की संख्या बहुत ही कम थी, जिसका मतलब है कि उनका ब्रेन उस आयु में भी काफी सेहतमंद था। आइंस्टाइन के ब्रेन में न्यूरॉन्स की संख्या तो सामान्य थी, परंतु उनकी रचना बहुत ही घनी थी, जिससे उनका सेल टू सेल प्रोसेसिंग समय काफी तेज था, इसकी पुष्टि होती है। आइंस्टाइन के ब्रेन की तुलना 11 और वयस्क पुरुषों के ब्रेन से जब की गई, तब यह पता चला कि उनके ब्रेन में ग्लायल सेल्स की मात्रा सामान्य से अधिक है। ग्लायल सेल्स का महत्व इसलिए है क्योंकि वे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेन को पोषण और आधार देने में। वे सिनेप्टिक कनेक्शंस बनाने और न्यूरोट्रांसमिशन जैसे कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में भी बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। सन 1978 में आइंस्टाइन का ब्रेन फिर एक बार हार्वी के कस्टडी से बरामद हुआ। उसके कुछ टुकड़े दो बड़े मैसोन जार में अल्कोहल के अंदर करीब 20 सालों से संरक्षित किए गए थे। 2010 में हार्वी के मौत के बाद उनके परिवार ने उनके ब्रेन के बचे हुए टुकड़े और उनके द्वारा लिए सारे फोटोग्राफ्स को नेशनल म्यूजियम ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन के हाथों सौंप दिया। इसमें से 46 छोटे हिस्सों को म्यूटियर म्यूजियम में भी सुरक्षित रखा गया, जिसमें से आज कुछ नमूने हम एग्जीबिशन में भी देख सकते हैं। आइंस्टाइन के ब्रेन का अध्ययन करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि यही वो ब्रेन है जिसने हमें E=mc², थियरी ऑफ रिलेटिविटी और ना जाने कितने महत्वपूर्ण फिजिक्स के लॉ दिए, जिससे आज विज्ञान बहुत ही एडवांस लेवल पर काम कर पा रहा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन की पूरी क्षमता को समझना आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती भरा काम है। म्यूजियम में रखे यह ब्रेन के टुकड़े आने वाली पीढ़ी को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे।
यह ब्रेन एक बात हमेशा याद दिलाता रहेगा कि पृथ्वी पर एक महान साइंटिस्ट और जीनियस का जन्म हुआ था जिसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। Five, four, three, two, one, fire!